नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द वीआईपी टीवी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट के आज दूसरे दिन के खेल का पूरा हाल, आज क्या मैदान में घटा और ऋषभ पंत के तूफान में कैसे उड़ा इंग्लैंड। वहीं आपको बताएंगे टीम इंडिया अब इस टेस्ट में कितना मजबूत है और ये टेस्ट मैच अब कितने दिन चलने वाला है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वहीं अगर आप ऋषभ पंत को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा चौथा टेस्ट अब बेहद रोमांचक मोड पर पहुंच चुका है। टीम इंडिया ने इंग्लैंड की पहली पारी से बढ़त ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने कल 205 रन बनाए थे। इंग्लैंड को कम स्कोर पर रोकने का श्रेय अक्षर पटेल को जाता है, जिन्होंने 4 विकेट लेकर अंग्रेजों की कमर तोड़ दी थी। हालांकि दोस्तों इंग्लैंड के 205 रनों के जवाब में टीम इंडिया की शुरुआत भी बेहद खराब रही। कल ओपनर शुभमन गिल बिना खाता खोले ही चलते बने और 0 रन पर ही टीम इंडिया का एक विकेट गिर गया था। फिर रोहित और चेतेश्वर पुजारा ने दिन का खेल खत्म होने तक 24 रन बनाए थे। अब दोस्तों आज 24 रन से आगे खेलते हुए रोहित और पुजारा ने टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया और आज स्कोर को 40 रनों तक पहुंचा पाए थे कि जैक लिच ने टीम इंडिया को पहला झटका दे दिया। पुजारा का खराब फॉर्म यहां भी जारी रहा और 66 गेंद खेलने के बाद 17 रन बनाकर LBW आउट हो गए। वहीं कप्तान विराट कोहली भी आज टीम को निराश किए और बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। कोहली को बेन स्टोक ने विकेट के पीछे कैच आउट करवाया। दोस्तों विराट कोहली का विकेट भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका था। 40 रन पर ही 3 विकेट गंवाकर भारतीय टीम मुसीबत में फंस चुकी थी। तो ऐसे में रोहित और रहाणे ने पारी को संभाला और अंग्रेजों की आग उगलती गेंदों का सामना करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 80 रन तक पहुंचा दिए। दोस्तों रहाणे और रोहित की जोड़ी मैदान पर जम चुकी थी, दोनों ने 40 रनों की साझेदारी कर डाले थे। इसमें रहाणे ने 45 गेंदों में ही 27 रन बना डाले थे और अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जेम्स एंडरसन चौथी बार रहाणे को अपने जाल में फंसा लिया और भारतीय टीम को बड़ा झटका दिया। रहाणे के जाने के बाद रोहित शर्मा भी 49 रन बनाकर आउट हो गए। फिर रविचंद्रन अश्विन भी आज बड़ी पारी नहीं खेल पाए और वे भी 13 रन बनाकर चलते बने। इस तरह 140 रन पर ही टीम इंडिया 6 विकेट गंवाकर अंग्रेजों के जाल में पूरी तरह से फंस गई थी और अभी भी इंग्लैंड से 60 रन पीछे थी। तो लग रहा था ये मुकाबला इंग्लैंड की तरफ चला गया है। तो ऐसे में दोस्तों चमत्कार किया ऋषभ पंत ने, जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अंग्रेजों की जमकर धुनाई की। तो वही उनका बखूबी साथ दिया वॉशिंगटन सुंदर ने। दोस्तों पंत और सुंदर की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। दोनों बल्लेबाजों ने पहले अपनी आंखें जमाई, फिर धीरे धीरे साझेदारी को आगे बढ़ाते रहे। फिर जमने के बाद पंत ने तो मैदान में तबाही मचा दी। पहले सुंदर के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी करके भारतीय टीम को मुसीबत से निकाला, फिर खुद शतक ठोक कर इतिहास रच दिए। हालांकि वे शतक के बाद अपनी पारी को और बड़ा नहीं कर सके और 101 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तब तक दोस्तों वे अपना काम कर चुके थे, भारतीय टीम को मुसीबत से निकाल कर 54 रनों की बढ़त दिला चुके थे। अब दोस्तों ऋषभ पंत की बेहतरीन पारी की बदौलत भारतीय टीम इस मैच में एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है। यहां से टीम इंडिया का जीतना लगभग तय है, क्योंकि भारतीय टीम ने एक अच्छी खासी बढ़त इंग्लैंड पर बना चुकी है। तो दोस्तों आप ऋषभ पंत की बेहतरीन पारी के लिए 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।